में जागे तब शुभ आशीष मांगे गावे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की कचहरी के शहीद भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको सब एक तरह का उनको मन में उनके शांति दे और उनको सहनशीलता दे कि वो अपने इन बच्चों के इन सबूतों के दुख को सह सकें। भाई और बहनों, आप सभी लोग अच्छे तरीके से परिचित हैं कि जो ये उग्रवादी हैं, जो ये नाली के कीड़े हैं, ये कई पैराशूट से ड्रॉप नहीं किए जाते हैं, ये एलसी या आईबी के ऊपर से क्रॉस करते हैं और एलसी आईबी के इस तरफ हमारे अपने लोग उनको बाहें खोली करके मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं और उनको निश्चित स्थान पर लेकर के जाते हैं। मैं अभी आप लोगों के सामने उनको भी सचेत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कहीं ये आक्रोश एक जन सैलाब में बदल गया तो फिर इस जन सैलाब के अंदर बहुत से निर्दोष लोगों का भी खून बहेगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम एक शांति प्रिय देश है, हम वैसे ही रहना चाहते हैं, लेकिन अगर शांति लाने के लिए युद्ध ही जरूरी है तो युद्ध क्यों नहीं, ये सवाल आप लोगों के भी अपने जो आस पास के नेता है जब जो राजनीतिक सर्कल्स में उनके उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। बार बार हम अपना खून क्यों बहाएंगे, एक बार बहा लेंगे। हमारी सेनाएं बहुत सशक्त है, ये आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो अगर शांति के लिए युद्ध जरूरी है तो युद्ध क्यों नहीं। नंबर दो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने राजनेताओं से मेरा निवेदन है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक को क्वेश्चन किया, उन्होंने जो पूरी शक्ति में हम एलसी क्रॉस करके उनके इलाके में जाकर के उनके दुश्मनों को गिरा कर गए, उसको उन्होंने क्वेश्चन किया। अभी कुछ समय पहले जो पुलिस में हमारे एयरफोर्स के जवान शहीद हुए, उसके बारे में कुछ एक राजनीतिकों ने उल्टी सीधी स्टेटमेंट दी, और अभी ये जो मछेड़ी वाला हादसा हुआ इसके लिए भी लोगों ने उल्टी सीधी स्टेटमेंट देना शुरू हो गई है। उनको भी सचेत करते हैं कि वो भी एक जैसे ओवरग्राउंड वर्कर है, ये उनसे कम नहीं है, उनसे निवेदन है कि ये करना बंद करें, अदरवाइज उनका भी वही अंजाम होगा, जो एक सैलाब अगर उनकी तरफ आएगा तो उन्हें भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा आखिरी निवेदन आप सभी लोगों से है और आपसे निवेदन है कि आप इसको आगे इस बात को जरूर लेकर के जाएं। वो ये है कि जैसे हम सभी जानते हैं, यहाँ पर हम हिंदू भी हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, जाट हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए, अगर हम ब्राह्मण हैं तो मुट्ठी भर हैं, अगर हम राजपूत हैं तो मुट्ठी भर हैं, अगर हम जाट हैं तो मुट्ठी भर हैं, अगर हम अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के हैं तो मुट्ठी भर हैं, लेकिन अगर हम एक साथ हैं तो हम 100 करोड़ से भी ज्यादा की संख्या है। तो इसलिए भारतीय बनिए, हमने बहुत सह लिया, अगर हम अब भी ऐसे ही बटे रहेंगे तो हमें और सहना पड़ेगा, हमारा समय शायद ठीक निकल जाएगा लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें काफी दिक्कत होगी। तो कृपा करके जाइए, एक साथ होइए और जात पात को छोड़िए, एक अच्छे नागरिक बनिए, एक देशभक्त भारतीय बने, बाकी की समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी